कपालभाती के मैं विधि के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान मुद्रा में या एक आसन लगा के बैठते हैं, चाहे वो सिद्धासन हो, सुखासन हो या पद्मासन हो, जिसको जैसी अनुकूलता हो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आराम से बैठ करके आप कपालभाति किसी भी आसन में कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जवाब नहीं या ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी मुद्रा में या इसी आसन में अभ्यास करना है। आप यदि बीमार है, बैठने में दिक्कत है, तो पैर फैला कर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हम सब आज सिद्धासन में बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ का स्थिति ध्यान मुद्रा में शरीर को सीधा करेंगे, नासिका से झटके से एक सेकंड में स्ट्रोक लगाएंगे, नाक से हवा को वेगात्मक रूप से बाहर फेंकेंगे, ऐसे बहुत अच्छा अभ्यास। आपको सांस लेने पर ध्यान नहीं टिकाना है, ध्यान कहाँ रहेगा आपका, सांस को देखने पर, सांस स्वयं अंदर चला आता है। यानी 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड में एक बार झटका, मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रखिए, मुंह बिल्कुल बंद, बंद करो, मुंह बंद रहेगा, नाक से हवा को फेंकना है बाहर, आपका कंधा नहीं लाना, आपके गले में कोई दबाव नहीं, आपके मुखमंडल की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं, यानी शरीर के जैसे आप कोई तीर चलाते हैं और जिस लक्ष्य को भेदना है वहां पे यदि सीधा निशाना लगेगा तभी जाकर के हम उसका भेद सकते हैं या लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। यदि तीर चलाते समय हाथ हिल गया, ध्यान भटक गया, तो लक्ष्य पे निशाना लगेगा नहीं लगेगा। यानी जब कंधा हिल गया, गर्दन हिल गया, मुखमंडल की आकृति में परिवर्तन हो गया, तो कपालभाति से जो लाभ, जो स्ट्रोक हम नाभि प्रदेश पर जो देना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो आइए एक बार फिर से देखिए, यानी शरीर के किसी बीमारी पर भी उसमें ध्यान लेने जाते हैं। ध्यान सीधे इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का संकल्प लेते हैं कि हे परमात्मा, आपके हम शरीर अंश है, यह शरीर आपका ही दिया हुआ है, हम सब आप ही के कृपा से, असीम कृपा से मानव जीवन को प्राप्त करके पूरे संसार और सृष्टि के लिए कल्याण और परोपकार के जीवन को लगाना